पिशाच, और इसके मुर्तुजा भाई प्रोड्यूसर हैं, मुर्तुजा इलेक्ट्रिक वाला, और प्रियंका पंडित। फोटोशूट के बारे में जानना चाहेंगे, कितने किस तरह के कॉस्ट्यूम डाले हैं आपने? काफ़ी, एक तो अभी एक कॉस्ट्यूम दिखाई जा रहा है, बाकी कितने कॉस्ट्यूम डाले हैं फोटोशूट के लिए? 8-10 तो डाले हैं अभी फिलहाल, अभी आगे क्या होगा वो इकबाल जी। अच्छा, फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का रोल है और किस तरह की कहानी है फिल्म की? कहानी तो नहीं बता सकता अभी, रोल के बारे में। एक निगेटिव रोल है। फिल्म डरावना है। क्या रियल बेस स्टोरी है कहा जाए इसे? नहीं, आत्म बनाए हुआ कहानी, आत्म कहानी। कब तक आने का, दर्शकों के बीच कब तक आएगी सर? जनवरी फरवरी तक आ जाएगी। थैंक यू सर। मार लो भाई यूजफुल रोल। मैम, आपसे जानना चाहूँगा फोटोशूट के बारे में, बताएं किसके लिए फोटोशूट किया जा रहा है उसके बारे में। पहले तो मैं मेरे सारे भोजपुरी दर्शकों को प्रियंका पंडित का नमस्कार। आज हम लोग जो फोटोशूट कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी एक फिल्म है जो हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका नाम है द डेविल पिसाज, जिसको भोजपुरी में दो लैंग्वेज में बनेगी, हिंदी में और भोजपुरी में। भोजपुरी में जो नाम होगा उसका नाम है पिसाज, और हिंदी में है जो उसमें नाम है द डेविल। अच्छा, अपने रोल के बारे में बताएं, किस तरह का रोल है? इसमें ऐसा है कि एक क्यूट लड़की है जिसको हीरो से मतलब कि प्यार हो जाता है, लेकिन उसको कहीं से डाउट होता है कि ये उसका बिहेवियर से कि कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। वो उसके पीछे जाती है, ढूंढती है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो उसको पता चलता है कि मतलब कि इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो नॉर्मल लोगों के अंदर नहीं होती है। फिर कैसे वो उस चीज़ से उसको बचाने की कोशिश करती है, उस टाइप का पूरा कैरेक्टर है। अच्छा, हमने फोटोशूट में देखा काफ़ी बोल्ड अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या फिल्मों में भी यही अंदाज रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से शायद मेरे सारे भोजपुरी दर्शक जो हैं मुझे बोल्ड कैरेक्टर में शायद पसंद भी करते हैं, और उस नाम से मैं चर्चित भी रहती हूँ कि लोग कहते भी हैं बोल्ड प्रियंका पंडित, तो ये मेरे लिए कोई नया अवतार नहीं है। मैं ज़्यादातर फिल्मों में रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से करते हैं। अच्छा प्रियंका, आप टेलीविज़न में भी काम कर रही है, भोजपुरी सिनेमा भी काम कर रही है, बॉलीवुड में भी काम कर रही है, तो कितना डिफरेंट रहता है टेलीविज़न में काम करना और बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना? बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि एक तो हम लोग जब यहाँ फिल्म में शूटिंग करते हैं तो बहुत अपना सा माहौल होता है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमको एक प्रॉपर टाइम मिलता है सीन करने का, हर चीज़ करने का। जब सीरियल में हम लोग करते हैं तो पहली चीज़ क्या होता है कि हम लोग को बहुत लेविस तरीके से रहने की आदत हो जाती है ना, कि हमको पर्सनल मेकअप मैन मिलना, पर्सनल, और टेलीविज़न में ये सब चीज़ें नहीं होता है। हमको फिल्म में ब्रेक मिलता है मेंटली कि हम एक दो दिन का हमको ब्रेक मिल गया, लेकिन टेलीविज़न में कभी नहीं मिलता। कंटिन्यू आपको शूट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल से फिल्म से ज़्यादा टेलीविज़न बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, आज के फोटोशूट की बात करें तो किस तरह के कॉस्ट्यूम डाले आपने? इसमें एक्चुअली सब वेस्टर्न है, क्योंकि कॉलेज गोइंग लड़की है, एकदम वेस्टर्न टाइप की है, तो उस टाइप के सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। डायरेक्ट एक ही ड्रेस ऐसा था जो थोड़ा सा बोल्ड था, बाकी तो फिर नॉर्मली है। अच्छा, दर्शकों के बीच कब तक आएगी फिल्म? मेरे ख्याल से इसकी शूटिंग एक ये वीक में, आई थिंक ये वीक या नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी, और आई थिंक जनवरी या फरवरी तक ये फिल्म दर्शकों के बीच में आ जाएगी। अच्छा, गणेश उत्सव आ रहा है, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने सारे भोजपुरी दर्शकों को गणेश महोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे से मनाइए गणेश महोत्सव, और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, ध्यान रखिए विसर्जन के टाइम पे भी, ज़्यादा धमाल मत कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स। रोल बोलिए जी। इस फिल्म के हमारे डायरेक्टर हैं इकबाल बख्श, जिन्होंने इससे पहले फिल्म बनाई थी, जिनकी अभी रिलीज़ हुई है बॉम्बे में फिल्म हमसे बढ़कर कौन, और थ्री कलर्स एंटरटेनमेंट की ये फिल्म है। और हमारे प्रोड्यूसर हैं मुर्तुजा इलेक्ट्रिक वाला, और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्लान किया है इस फिल्म को लेके। बहुत बहुत खुशी की बात है कि बाहर के भी लोग आते हैं और हमारी भोजपुरी फिल्मों के लिए इतना प्यार दिखाते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा प्रियंका, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आने वाला कौन सी फिल्में होगी जो दर्शकों को बनाना है? मैं एक्चुअली अभी इकबाल जी की एक फिल्म कर रही हूँ, और इसके अलावा एक और फिल्म है जो अनटाइटल है, अभी सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। उसके अलावा मैं अभी सीरियल्स में ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी नीली छतरी वाला मैं